हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आवेश कृष्णा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल क्वार्टरबैक गाइड एजुकेशन। ओके, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट disease diagnosis and description, that is 3D. 3D पढ़ेंगे हम with the reference oral pathology. Okay. सो इन ओरल पैथोलॉजी हम स्टार्टिंग करेंगे। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट में हम इन्फेक्शन से स्टार्ट करेंगे और ये इन्फेक्शन रहेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, एंड सम वॉट अदर कॉज। तो आज के पॉइंट से हम शुरू करते हैं ये पार्ट और मेजर टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन कवर करेंगे। वायरल इन्फेक्शन की सारी सीरीज, वायरल डिजीज़, वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ कवर करेंगे। उसके बाद वन बाय वन फिर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेंगे और फिर फंगल इन्फेक्शन करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला वायरस वायरल इन्फेक्शन हम लेने जा रहे हैं वन बाय वन, आरएनए वायरल इन्फेक्शन और डीएनए वायरल इन्फेक्शन, इसको भी दो पार्ट में हम समझेंगे। तो काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है वायरल इन्फेक्शन हम ले रहे हैं मीजल्स। अच्छा, बिफोर मूविंग द टॉपिक, एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना और समझना ओरल पैथोलॉजी के बेसिस पे। एक्चुअली क्या है कि जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, दो तीन चीज़ें जो है जानना ज़रूरी होता है। पढ़ इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें माइंड में ना एक माइंडसेट बनाना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे बढ़ते जाओगे ना, आप पहला पढ़ लिए इन्फेक्शन डिजीज़, दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ लिए, ऐसे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता जाएगा। कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट होगा क्लिनिकल फीचर्स में, ओके, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में, और बहुत सारा ओरल मैनिफेस्टेशन पढ़ोगे तो आप, ये लॉजिक सी बात है, मतलब क्रिएट होगा। अगर मैंने भी पढ़ा था तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था और काफ़ी, मतलब ये टीचर्स भी इसमें ना बहुत मदद नहीं करते। आप बोलोगे कि कन्फ्यूज़न होता है तो बोलेंगे प्रैक्टिस करो, ठीक है, बार बार लिखो, प्रैक्टिस करो। आई डोंट थिंक कि आप वो करोगे तो उससे आपका क्लियर होगा। मैं दो तीन चीज़ें उससे पहले अगर ध्यान में रख लो पढ़ने से पहले, और फिर उस चीज़ के बेसिस पे जो पॉइंट स्टार्ट करते हो ना, उसका अलग ही मज़ा आता है, ठीक है, उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। जैसे एक मुद्दा तो है जिस पे हम लोग पढ़ते ही हैं, जैसे हम मीजल्स पढ़ेंगे, जैसे मीजल्स ले लिया, तो मीजल्स या कोई एक इन्फेक्शियस डिजीज़ या कोई एक डिजीज़ अगर लेते हैं तो हम कॉमन पैटर्न क्या है पढ़ने का, सबसे पहले हम उसका इंट्रो पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड और डिफिनेशन बोल सकते हैं आप। दूसरा चीज़ हम पढ़ते हैं कि अगर किसी में एपिडीमियोलॉजी है
तो वो कवर करते हैं, एपिडेमियोलॉजी कवर करते हैं। तीसरा पॉइंट कवर करते हैं कि इटायोलॉजी क्या है, रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कॉज ऑफ सोर्स ऑफ इटायोलॉजी। ओके, उसके बाद हम कवर करते हैं पैथोजिनेसिस क्या है, देन आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में, फिर आते हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में, ठीक है। उसके बाद आते हैं ओरल मैनिफेस्टेशन, फिर कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट का ऑप्शन आता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं एंड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट प्लान। तो ये एक जनरल जनरल आइडिया है, ये तीन चार चीज़ें पढ़ने का, ये आप इस बेसिस पे आप तो देख सकते हो कि क्लिनिकल फीचर्स, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, ओरल मैनिफेस्टेशन, पैथोलॉजी, इटायोलॉजी, पैथोजिनेसिस, ये एक जनरल आइडिया है, इस बेसिस पे तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो। मेरा बहुत सारे आप YouTube वीडियो देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप, पर सबका बताने का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। पर आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो थोड़ा सा हटके होगा, जो आपको मतलब इन जनरल एक कॉमनली जो है ना सब में इन्वॉल्व होगा। तो उस टू पॉइंट को ध्यान में रख लेते हैं। एक्चुअली ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं तो किसी और मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक शुरू करेंगे, फिलहाल ये इसमें डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है कि टॉपिक हमारा कवरअप कैसे होगा। तो उन चार पांच चीज़ों के अलावा हम किसी भी डिज़ीज़ का एक प्रोस्पेक्टिव और देखेंगे, जो अक्सर आपको वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है, वाइवा में पूछ लेते हैं, थ्योरी में तो MCQs में तो आते ही आते हैं, ठीक है। आपको अगर PG का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, स्पॉटिंग, ठीक है, प्लस आपको जो क्लिनिकल नॉलेज है, ये क्लिनिकल नॉलेज को भी बिल्ड अप करता है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इन 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 चीज़ों पे डिस्कस करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या टॉपिक कवर होते हैं, इसमें होता है कि किसी भी डिज़ीज़ का आपको तीन चार चीज़ें ध्यान में रखना है। पहला, ये गांठ बांध लो कि किसी भी डिज़ीज़ का अगर इंट्रो है, स्टार्टिंग इंट्रो या डेफिनेशन से करोगे, अगर किसी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है तो बाय हार्ट उसको याद कर लो, याद करना ही पड़ेगा, याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेशन आपको या इंट्रो एक दो लाइन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपका एक दो नंबर दो सॉलिड है। कुछ का डिफिनेशन से ही, कुछ के नाम से ही जो है ना बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स और फीचर्स आइडेंटिफाई होते हैं, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी डिश के अगर अदर नेम है, ठीक है, अदर नेम इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी डिजीज़ का अदर नेम है तो जितने भी नाम है सबको जानना ज़रूरी है, सबका नाम आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये इस क्वेश्चन से क्या होता है कि वाइवा में और स्पॉटिंग में, MCQs में आपको अक्सर दूसरा नाम पूछे, कभी कभी तो थ्योरी में क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्ट दूसरे नाम से क्वेश्चन बना देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक नाम का फर्स्ट नेम से हमने याद किया, पूरा टॉपिक आते हुए भी अगर हमको दूसरा नाम पता नहीं है तो आंसर नहीं कर पाते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है, हमने भी, मेरे साथ भी हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, तीसरा जो है इस पे है कि अगर किसी हर एक डिज़ीज़ का एक क्लासिकल फीचर होता है, एक क्लासिकल फीचर होता है हर एक डिज़ीज़ का, तो आपको उस क्लासिकल फीचर को भी ध्यान में रखना है, गांठ बांध लेना है वो क्लासिकल फीचर्स, ठीक है, एकदम से याद होने चाहिए। कुछ अब वो क्लासिकल फीचर्स क्लिनिकल फीचर्स में हो सकता है, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में हो सकता है, ठीक है, हो सकता है उसका पैथोजिनेसिस में कुछ ऐसा है, हो सकता है उसका इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ है, ओरल मैनिफेस्टेशन में ऐसा कुछ है, ठीक है, तो वो किसी भी फॉर्म में क्लासिकल फीचर्स हो सकता है। उस क्लासिकल फीचर्स को बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उस क्लासिकल फीचर को जानना, उससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। तो सो गाइज, मुझे
इस वीडियो में इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस आपको जो बताया हूँ ये चीज़ें ध्यान रखें। किसी भी डिजीज़ का जैसे मैंने बताया, क्लिनिकल फीचर्स आप पढ़ते हो, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स पढ़ते हो, पैथोजेनेसिस पढ़ते हो, एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, ओरल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हो, ठीक है, आप पढ़ते हो, कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हो, ट्रीटमेंट एंड प्लान पढ़ते हो, ठीक है, आप ये तो पढ़ते ही हो। इसके अलावा मैंने क्या बोला कि किसी भी डिजीज़ का अदर चीज़ क्या है कि आपको उसका अदर नेम, उसका डेफिनेशन या इंट्रो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन या इंट्रो अगर है तो वो आपको याद होना चाहिए। दूसरा, तीसरा जो पॉइंट इसमें मैंने बताया था वो ये क्लासिकल फीचर्स, हर एक डिजीज़ का एक क्लासिकल फीचर्स होता है, उस क्लासिकल फीचर्स को आपको ध्यान में रखना है। उस क्लासिकल फीचर्स से आपको बहुत कुछ आइडिया लगता है, ठीक है, और फिर उसके इमेज, उसके इमेज यानी कि डायग्राम्स आप बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।